हेलो गाइस, अभी हम लोग नोएडा में हैं और आज हम आपको सफ़र कराएंगे गोवा में। तो आज हम आपको ना यहाँ से ले जाएंगे नोएडा से, और गोवा का बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हम इस वक्त जिस सीज़न में जा रहे हैं ये सीज़न बहुत खूबसूरत है। और हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे हम किस सीज़न में गए हैं और हमने क्या क्या चीज़ें वहाँ पे देखी हैं, और हम पर्टिकुलर आपको अगर किसी चीज़ का व्यू दिखाएंगे लाइक किसी बीच का तो उसकी भी डिटेलिंग हम आपको प्रॉपर देंगे। तो गाइस चलते हैं, हम आपको तुरंत पहुँचाते हैं विद इन अ सेकेंड गोवा के अंदर। तो गाइस आज हम हैं फिर से कांदलिम बीच गोवा। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि कांदलिम बीच का जो बीच है, बेसिकली कांदलिम बीच वो बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। मैं गोवा यहाँ पर जब भी आता हूँ तो हमेशा कोशिश करता हूँ कि नॉर्थ गोवा के स्पेशली जो कांदलिम बीच है वहाँ पर भी मैं जाऊँ और साथ ही साथ अरम्बोल बीच पर भी जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर जो क्या होता है क्राउड जो होता है वो फॉरनर्स का बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से जो बीच होते हैं वो काफ़ी नीट एंड क्लीन होते हैं। इसमें मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि फॉरनर यहाँ पे रहते हैं इस वजह से वो बीच साफ होते हैं, जबकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा राइड्स पसंद नहीं होती हैं, इसलिए ये लोग का पोर्शन जो होता है बीचेस का वो थोड़ा डिफरेंट रखा जाता है। अरम्बोल बीच पर भी आप देखेंगे वहाँ पर भी राइड्स बहुत ज़्यादा नहीं चलती हैं, इसलिए वो बीच भी थोड़ा शांत और क्लीन पॉश पफ रहता है। तो मुझे भी कुछ इस तरीके के बीच पसंद है, इसलिए मैं हमेशा अरम्बोल बीच भी जाता हूं। और आज जैसा कि मैं यहां पर कांदलिम बीच पे आया हूं तो कांदलिम बीच आप सामने देख रहे हैं, शैक्स भी थोड़े से डिफरेंट रहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये फूस जो होती है उससे बने हुए होते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं। और आप देख रहे हैं कि सामने जो लहरें हैं वो ठंडी ठंडी हवा के साथ आ रही हैं। इस वक्त मार्च का मंथ है, मार्च 2023, और हम यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो बीच है ये बहुत ही सुंदर बीच है। इसके दो पार्टीशन है जहाँ से एंट्री है। एंट्री से लेफ्ट हैंड को अगर आप जाते हैं तो आपको टोटल इंडियन क्राउड मिलने वाला है। अगर आप राइट साइड में आते हैं जिसमें कि हम हैं तो यहाँ पर आपको टोटल रशियन फॉरनर्स मिलने वाले हैं। तो ये जो बीच है ये मेरे बहुत पसंदीदा बीच में से है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांति रहती है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो राइड्स होती हैं बहुत स्पेसिफिक राइड्स होती हैं। टेम्परेचर की मैं बात करूं तो मार्च में अभी लगभग 32 से 33 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। स्टे की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको कांदलिम बीच के आसपास आपको बहुत अच्छे रिजॉर्ट मिल जाएंगे। हम जो ठहरे हुए हैं हम दबागा मरीना बीच पर ठहरे हुए थे। ये हमें लगभग जो रिजॉर्ट था वो हमें 3.5 से 4 हज़ार का पड़ गया था पर डे का स्टे का, और बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट था वो। और अगर हम बात करें कि ये कितना दूर पड़ता है उस रिजॉर्ट से तो हार्डली 5 से 6 मिनट का थ्रू टू व्हीलर रास्ता है, आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। तो ओवरऑल में जो सिनेरियो है बीच से लेके रिजॉर्ट तक का नॉर्थ गोवा में इस रिजॉर्ट का, तो वो बहुत सुंदर है। आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कांदलिम बीच पर जरूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको बिल्कुल ऐसा फील होने वाला है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मगधमाची भीड़ भाड़, कोई इधर चिल्ला रहा है कि ये खरीद लो, कोई इधर चिल्ला रहा है वो खरीद लो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। आप पीसफुली आप अपना शैक लेके आराम से लेट सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सामने जितने भी फॉरनर्स हैं वो सभी बहुत मस्ती से अपना इन्जॉय कर रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हैं। इंडियंस कुछ यहाँ पर रहते हैं जो आपकी मसाज करते हैं, वो बहुत अच्छी मसाज देते हैं, तो उनसे ये लोग अपनी मसाज कराते हैं जिनसे उन लोगों की अपनी रोजी रोटी चलती है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी यहाँ पे मैंने देखा है। बट हाँ, मैं आपको फिर भी एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि जब भी आप यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ रशियंस को परेशान बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब हम अननेसेसरी उनका फ़ोटो क्लिक करते हैं, अननेसेसरी उनका वीडियो बनाते हैं पर्टिकुलर इंटेंशनली, तो उनको थोड़ा वो इरीटेटिंग लगता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आप देख रहे हैं अपने सरदार जी भी यहाँ पर सफारी पहन के आए हैं, सफारी कोट पैंट, और बीच पर बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। तो सब अपने अपने तरीके से आते हैं, अपने अपने तरीके से इन्जॉय करते हैं। वाइट पानी आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है बीच के किनारे, और बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पर। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं विद फैमिली आते हैं, या फिर आप कपल आते हैं या सिंगल आते हैं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि गोवा जो है वो बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत ही सुंदर सिटी है। मैं साल में एक बार गोवा आने की कोशिश ज़रूर करता हूँ, और इस कोशिश के तहत मैं हर बार यहाँ पर आता भी हूँ।
तो आप भी यहाँ पर गोवा जरूर आइएगा। खाने पीने की मैं बात करूँ, आपको यहाँ पर हर तरीके का वेज नॉन वेज ड्रिंक्स में आपको ऑलमोस्ट हर तरीके की ड्रिंक्स यहाँ पे मिल जाएंगी। ड्रिंक्स हर तरीके की आपको पूरे गोवा में मिल जाएंगी। यहाँ पर गोवा में एक चीज़ आप देखेंगे कि गोवा में आप आएंगे तो वाइन शॉप पर आपको लेडीज भी वाइन सेल करती हुई मिल जाएंगी, क्योंकि उसका रीजन यहाँ पर है कि दारू जो है वो यहाँ पर पानी की तरह बिकती है। तो यहाँ पर दारू और पानी में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है और बहुत नॉर्मली तरीके से यहाँ पर लोग वाइन लेते हैं, बियर लेते हैं, विस्की लेते हैं और यहाँ पर कोई एक दूसरे से कोई बदतमीजी नहीं करता है। और मदिरा यहाँ पर मतलब कोई स्पेशल चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल चीज़ है, एक इन्जॉयमेंट का सामान है जो आप अपना जब इन्जॉय करते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। और शेक्स जो हैं आपको वो यहाँ पर आपको अप्रैल तक ठीक ठाक अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि अप्रैल के बाद का जो सीज़न होता है फिर ये शेक्स हट जाते हैं, जो रेस्टोरेंट्स यहाँ पर साइड में होते हैं ये भी हट जाते हैं, क्योंकि बिजनेस ऑलमोस्ट क्लोज हो जाता है और अप्रैल के बाद पानी का जो बहाव होता है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब जहाँ पे अभी शेक्स लगे हुए हैं यहाँ पर आने लगता है, जिस वजह से यहाँ पर जो बिज़नेस करने वाले रेस्टोरेंट्स वाले लोग होते हैं ये भी इसको छोड़ के चले जाते हैं और फिर दोबारा से बिज़नेस शुरू होता है ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर में, फिर दोबारा से अपना शेक लगाना चालू करते हैं। और फिर जो तेज़ी आती है गोवा के अंदर वो आती है आपकी अक्टूबर और नवंबर से, फुल लाइटिंग के साथ गोवा रात को अक्टूबर और नवंबर में सजना शुरू हो जाता है। और सबसे माशाल्लाह जो लगता है या सबसे बेहतरीन जो लगता है वो लगता है फिर दिसंबर में। जी हाँ, 31 दिसंबर की जो नाइट होती है वो एकदम बिंदास होती है। गोवा आप जब भी आते हैं तो एक बार दिसंबर में भी आप जरूर आएँ। दिसंबर की जो नाइट होती है, वाह क्या नाइट होती है गोवा की, हर तरफ लाइटें, हर तरफ नियॉन लाइट्स, रंग बिरंगे नज़ारे, हर किसी के चेहरे पर एक पॉजिटिव मुस्कुराहट, इस तरीके के जो नज़ारे होते हैं वो देखकर आपको इतना मज़ा आने वाला है कि गोवा आपका अपना होने वाला है। गोवा मेरा बहुत फेवरेट प्लेस है, क्योंकि गोवा में जब भी आता हूँ तो हमेशा कुछ नया यहाँ से सीख कर जाता हूँ, हर बार कुछ नया देख कर जाता हूँ। ये चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती हैं एंड आई रियली लव द गोवा। तो गाइस आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो गोवा को पूरी तरीके से इन्जॉय करें, पूरी तरीके से आप यहाँ पर खाएं पिए रहें। आप देख रहे हैं गोवा जो है वो बैक साइड में, आप अरम्बोल चल जाइए चाहे ये कोंदलम बीच पर आ जाइए, आपको बैक साइड से पूरा ग्रीनरी से लैस मिलने वाला है, मतलब जो साइड है वहाँ पर पेड़ पौधे ग्रीनरी ये सब चीज़ें रहेंगी, एक अच्छी फीलिंग आती है, मतलब सामने समंदर जहाँ कुछ नहीं दिख रहा पानी के अलावा, पीछे हरियाली जो हरियाली के अलावा कुछ नहीं दिख रहा, आप जहाँ पर बैठे लेटे हुए हैं वहाँ पर सैंड है इसके अलावा कुछ नहीं, तो एकदम जो सीनेरियो क्लियर और क्रिस्टल रहते हैं जिस वजह से बहुत अच्छा था। अब देखिए मैं आपको यहाँ लॉन्ग व्यू दिखा रहा हूँ, इस लॉन्ग व्यू में आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि गोवा कितना सुंदर है, कोंदलम बीच कितना सुंदर है। आप गोवा अगर आएंगे तो कभी भी दो तीन दिन का तो आप प्लान बनाए ही ना, मैं तो एडवाइस करूंगा एटलीस्ट कम से कम 5 दिन का तो प्लान जरूर करें, मतलब 5 दिन स्टे इन गोवा। तो गाइस आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो भी गोवा के ऊपर आएगा, तो बी कंटिन्यू इन माय चैनल और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्कार।